मूवी की शुरुआत में हमें टेक्सास का छोटा सा टाउन दिखाया जाता है, जहां पर एक बैंक क्लर्क काम पर जा रही थी इस बात से बेखबर कि दो ठग्स उसे फॉलो कर रहे हैं। तो जब लेडी बैंक में एंटर करने वाली थी, तभी वो ठग्स यहां आकर लेडी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिससे वो लेडी काफी ज्यादा डर जाती है। मगर ठग्स बिना ध्यान दिए पैसों की डिमांड करने लगते हैं, जिस पर वो लेडी ठग्स को ड्रॉर्स खोलकर दिखा देती है, जो कि बिल्कुल खाली थे, क्योंकि हर रात सारा पैसा वॉल्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये देखकर ठग्स काफी ज्यादा अपसेट थे और फिर वो बैंक मैनेजर का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ बैंक मैनेजर ही वॉल्ट को खोल सकता है। तो जैसे ही मैनेजर यहाँ पर आता है, तैसे ही ये लोग मैनेजर को पीट पाट कर बैंक लूट लेते हैं। वैलेन ठग्स का नाम टेन और टोबी है, जो कि इनफैक्ट सगे भाई थे, जो इस रॉबरी को करके काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो टेन अपने भाई से कहता है कि क्यों ना एक और बैंक को लूट लिया जाए, जिस बात से टोबी भी सहमत हो जाता है। तो ये लोग दूसरे टाउन जाने लगते हैं, जहाँ की बैंक में एक ओल्ड मैन कैशियर से फ्लर्ट कर रहा था। पर तभी यहाँ पर हॉवर्ड ब्रदर्स आ जाते हैं, जो कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर सारा कैश लूट लेते हैं, जिसमें ओल्ड मैन का पैसा भी शामिल था। तो वो ये देखकर पूरी तरह से भड़क जाता है, साथ ही वो इन भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। मगर ठग्स यहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद हमें हॉवर्ड ब्रदर्स का रांच दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्होंने एक गड्ढा कर रखा था। तो वो अपनी कार को इस खड्डे में ढकेल देते हैं, ताकि वो अपनी रॉबरी के सभी एविडेंस मिटा सकें। और इसी समय चोरी की खबर टेक्सास रेंजर्स तक पहुंच जाती है। तो इस रॉबरी का केस सॉल्व करने का काम मार्कस नाम के रेंजर को दे दिया जाता है, जो कि अब ओल्ड एज से रिटायर होने वाला था। तो मार्कस का पार्टनर एल्बर्टो उसे बताता है कि आज टेक्सास मिडलैंड्स की दो ब्रांच लूट ली गई हैं, मगर एफबीआई इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि चुराया गया पैसा काफी कम है, जिसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। तो एफबीआई इस केस में हाथ डालना नहीं चाहती और अब हम दोनों को ही ये केस सॉल्व करना होगा। वहीं हॉवर्ड ब्रदर्स नेक्स्ट रॉबरी की प्लानिंग करने लगते हैं। तो हमें इनकी बातों से पता चल जाता है कि टेन फिलहाल में ही जेल से आजाद होकर आया है। साथ ही हमें क्लियर हो जाता है कि इनका फादर एक नशेड़ी था, जो नशे की हालत में इन भाइयों को बुरी तरह से मारा पीटा करता था। तो एक दिन टेन ने गुस्से में ओल्ड मैन को निपटा दिया, जिस वजह से उसे 10 साल की जेल काटनी पड़ी है। वहीं रेंजर्स रॉबरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फर्स्ट बैंक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि बैंक के सभी सिक्योरिटी कैमरास काम नहीं कर रहे। तभी मार्कस को रिपोर्ट मिलती है कि दूसरी बैंक से भी सिर्फ छोटे अमाउंट वाले नोट्स चोरी हुए हैं। तो मार्कस को क्लियर हो जाता है कि रॉबर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। वहीं हॉवर्ड ब्रदर्स लंच करने चले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि टोबी किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। पर तभी टेन को एक बैंक नजर आ जाती है, तो उस ब्रांच में रॉबरी करने चला जाता है। एंड सरप्राइजिंगली वो इस बैंक को लूटने में कामयाब हो जाता है। मगर अब टोबी बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस चोरी की प्लानिंग नहीं की थी, साथ ही अब इन्हें इस कार को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इनकी बातों से क्लियर हो जाता है कि प्लान के हिसाब से ये लोग सिर्फ टेक्सास मिडलैंड बैंक को ही लूटने वाले थे, क्योंकि मिडलैंड बैंक में सिक्योरिटी अपडेट चल रहा है, जिसके रहते सभी सिक्योरिटी कैमरास बंद हैं, जिससे रॉबरी करना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। वहीं रेंजर्स को भी चोरी की खबर मिल जाती है, तो मार्कस को अंदाजा हो जाता है कि रॉबर्स किसी प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं। मगर एल्बर्टो को इस बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में ये चोरियां कुछ नशेड़ी लोग कर रहे हैं। जल्द ही ये लोग बैंक तक पहुंच जाते हैं, जहां कैशियर से पूछताछ के बाद इन्हें पता चल जाता है कि बैंक में रॉबरी सिर्फ एक बंदे ने की थी, जो रॉबरी करने के बाद सामने वाले डाइनर की तरफ भाग कर गया था। प्रोबेबली उसका पार्टनर डाइनर में खाना खा रहा था। तो ये जानकारी मिलने पर मार्कस डाइनर में चला जाता है, जहां पूछताछ करने से उसे पता चल जाता है कि जिस बंदे ने बैंक लूटी थी, वो चोरी से पहले इसी डाइनर में खाना खा रहा था। तो उसे वेट्रेस से हॉवर्ड ब्रदर्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, पर ये दोनों
इसी टाउन में रुकने का डिसाइड कर लेती हैं, क्योंकि मार्कस को एहसास हो चुका है कि रॉबर्ट जल्द ही दोबारा चोरी करने वाले हैं। प्रोबेबली वो लोग किसी चीज की जल्दी में। वहीं हॉवर्ड ब्रदर्स अपनी न्यू कार में टाउन छोड़ देती हैं, क्योंकि अब वो ओकलहोमा की तरफ जा रही थी, मगर रास्ते में उन्हें फ्यूल रिफिल करवाना पड़ता है। पर तभी यहाँ पर दो ठग्स आ जाते हैं, जो बिना वजह टैन के सामने इतना चालू कर देती है। साथ ही एक ठग टैन को मारने की धमकी देने लगता है, जो बात टोबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो इस ठग को बहुत बुरी तरह से कूट देता है। तो ये देखकर टैन स्माइल करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों एक कसीनो चले जाते हैं ताकि वो लोग भी अपना लक आजमा सकें। मगर असल में ये लोग चोरी किए गए पैसों को ठिकाने लगाना चाहते थे, जिस पर कसीनो का स्टाफ भी ध्यान नहीं देता कि आखिर ये लोग इतना सारा कैश लेकर क्यों आए। जिसके बाद टैन पोकर खेलने लगता है, एंड सरप्राइजिंगली वो इस गेम में काफी ज्यादा अच्छा था, जो जल्द ही गेम जीतने लगता है, जो बात बाकी लोगों को पसंद नहीं आती, मगर इस बात से टैन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं एक प्रोस्टिट्यूट टोबी को सीड्यूस करने लगती है, पर तभी यहाँ पर टैन आ जाता है, जो उस लेडी को डरा धमका कर यहाँ से भगा देता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि इस लेडी के मोटिव्स कुछ अच्छे नहीं है। वो प्रोबेबली टोबी के पैसे चुराना चाहती है, जिसके बाद ये लोग अपनी सारी चिप्स को कैश आउट करवाने लगते हैं। एंड सरप्राइजिंगली टोबी सारे पैसे का एक चेक बनवा देता है, जो कि मिडलैंड बैंक को जाने वाला था। वेल गाइज, ये लोग चोरियां आखिर क्यों कर रहे हैं, और ये लोग मिडलैंड बैंक से चोरी करके उसी को पैसे क्यों लौटाना चाहते हैं, इस बात का आपको आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हॉवर्ड ब्रदर्स एक मोटेल चले जाते हैं ताकि वो लोग नाइट स्टे कर सकें। तो टैन को रिसेप्शन वाली लेडी पसंद आ जाती है, जो उस लेडी के सामने स्टाइल झाड़ने लगता है, एंड सरप्राइजिंगली वो इस काम में कामयाब हो जाता है। तो जब बेचारा टोबी सोने की कोशिश कर रखा था, तब टैन और उस लेडी ने घमासान मचा रखा था, जिस बात से बेचारा टोबी काफी ज्यादा परेशान है। नेक्स्ट डे हॉवर्ड ब्रदर्स अपने लॉयर के पास चले जाते हैं, जहां लॉयर इन्हें क्लियर करता है कि तुम्हें थर्सडे तक $43,000 इकट्ठा करने होंगे, ताकि तुम ये अमाउंट पे करके अपना डेब्ट रिपे कर सको, जिससे तुम्हारा मॉर्गेज अमाउंट फुली पे हो जाएगा, साथ ही तुम्हारी जमीन जायदाद भी फ्री हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इनके नशेड़ी पिता ने अपनी जमीन को गिरवी रख के लोन ले लिया था, मगर वो इस लोन को पे करने में कामयाब नहीं हो पाए, जिस वजह से इनकी जमीन मिडलैंड बैंक्स को जाने वाली है। और खास बात यह है कि मिडलैंड बैंक्स इनकी मॉम की लाइफ में इंटरफियर करती रही, ताकि वो टाइम रहते लोन को पे न कर पाए और इनकी सारी जमीन सस्ते दामों में बैंक को मिल जाए, जिस वजह से ये भाई मिडलैंड बैंक का पैसा चुरा रहे, ताकि उन्हीं के पैसे से लोन को पे किया जा सके। सो इन अ सेंस ये लोग बैंक से रिवेंज ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेंजर्स एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं, ताकि वो सामने वाली बैंक पर नजर रख सकें, क्योंकि मार्कस को अभी भी लगता है कि ठग्स इस बैंक को लूटने के लिए जरूर आएंगे। तो एल्बर्टो कमेंट करता है कि पहले वेस्ट टेक्सस की सारी जमीन हमारे पूर्वजों की हुआ करती थी, मगर 150 साल पहले व्हाइट लोगों ने यहाँ आकर हमारी सारी जमीन छीन ली, मगर वो लोग जल्द ही इस सब को खो बैठेंगे, क्योंकि जिस तरह से बैंक काम करती हैं, वो किसी न किसी तरह से इन जमीनों को हड़प ही लेंगी। मगर मार्कस इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं टोबी अपनी एक्स वाइफ से मिलने चला जाता है, जो टोबी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो टोबी उसे भरोसा दिलाने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही वो अपने बेटे से कहता है कि हमारा सारा जीवन गरीबी में बीता है, मगर मैं तुम्हें गरीबी में रहने नहीं दूंगा। जिस बात को सुनकर लड़का काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो टोबी उसे क्लियर कर देता है कि मैं अपने रांच को ट्रस्ट के हवाले करने वाला हूँ, जिसके बेनिफिशियरी तुम और तुम्हारे भाई होंगे, यानी तुमसे ये जमीन कोई भी छीन नहीं पाएगा। मगर लड़का अभी भी कंफ्यूज था, जिस पर टोबी उसे क्लियर करता है कि हमारी जमीन के नीचे काफी सारा ऑयल है, और इसी ऑयल फील्ड की वजह से मिडलैंड बैंक हमारी जमीन को हड़पना चाहती थी, मगर मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मगर जो भी हो,
तुम लोग मेरी तरह मत बनना, क्योंकि इस जमीन को हासिल करने के लिए मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं। वेल, टोबी को अंदाजा हो चुका है कि आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाने वाला है, तो वो अपने बेटे को पहले से ही वार्न कर रहा है, जिसके बाद वो अपने भाई टैन के पास चला जाता है, जहां ये लोग नेक्स्ट रॉबरी की प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि डेट रिपेमेंट की डेडलाइन पास आती जा रही है, तो इन्हें जल्द से जल्द $43,000 इकट्ठे करने होंगे, तो ये लोग अगली रॉबरी में बड़ा हाथ मारना चाहते हैं। वहीं रेंजर्स को बैंक के बाहर नजर रखते हुए पूरा दिन बीत जाता है, तो एल्बर्टो तो होटल में सोने चला जाता है, मगर मार्कस अभी भी बैंक पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो इस केस को जितना हो सके उतना लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि इस केस के पूरा होते ही उसे रिटायर कर दिया जाएगा, मगर मार्कस इतनी जल्दी रिटायर होना नहीं चाहता। अगले दिन हॉवर्ड ब्रदर्स रॉबरी के लिए रेडी हो जाते हैं, जो अलग अलग कार्स लेकर बैंक की तरफ चले जाते हैं, मगर इस बार उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वाली ब्रांच तो परमानेंटली क्लोज हो चुकी है, जिससे इनके प्लान की धज्जियां उड़ जाती हैं। साथ ही अब ये दोनों काफी ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि अब उन्हें अपने प्लान्स को चेंज करना होगा, तो ये लोग कोलमैन नाम के टाउन जाने लगते हैं, मगर टैन रास्ते में ही कार रुकवा लेता है, क्योंकि कोलमैन वाली ब्रांच में सिर्फ एक ही कैशियर है, जहां पर पैसों का ज्यादा लेन देन नहीं होता, जिससे इनकी जरूरतें पूरी भी नहीं हो पाएंगी, तो वो कोलमैन टाउन के बजाय पोस्ट टाउन जाना चाहता है, जहां पर मिडलैंड बैंक की सबसे बड़ी ब्रांच है। मगर टोबी ये सुनकर हेजिटेट करने लगता है, क्योंकि पोस्ट वाली ब्रांच को लूटना इतना आसान नहीं होगा, मगर टैन के ज्यादा इंसिस्ट करने पे टोबी अपने भाई की बात मान जाता है, जहां ये लोग टोबी की कार को टाउन से बाहर छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें भागने में आसानी हो सके। वहीं रेंजर्स को भी एहसास हो जाता है कि रॉबर्स का नेक्स्ट टारगेट पोस्ट टाउन की बैंक है, पर इस बात पर एल्बर्टो को भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसकी नजर में ये ओल्ड फार्ट पागल हो चुका है, पर फिर भी वो मार्कस के साथ पोस्ट टाउन की तरफ जाने लगता है। वहीं हॉवर्ड ब्रदर्स टाउन में एंटर कर चुके थे, मगर अब उन्हें टेंशन होने लगती है, क्योंकि ये टाउन तो बाकी टाउन्स की तरह खाली नहीं है, यहाँ पर तो काफी चहल पहल है, जिससे इनका काम काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जल्द ही ये लोग बैंक तक पहुंच जाते हैं, मगर इस बार भी उनकी किस्मत फूटी हुई थी, क्योंकि ये बैंक कस्टमर्स से भरी हुई थी, जिन्हें ये दोनों हैंडल नहीं कर सकते थे, मगर फिर भी इन्हें चोरी तो करनी ही थी, तो ये लोग सभी को जमीन पर लिटा देती है, जहाँ टोनी कस्टमर्स पर नजर रखने लगता है और टेन ड्रॉअर्स से पैसे चुराने लगता है। मगर हर जगह पर एक बहादुर आदमी जरूर होता है, जो हीरोगिरी दिखाए बिना रह नहीं सकता, एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर दो बंदे ऐसे थे जिन्हें कुछ ज्यादा ही खुजली थी, तो वो लोग हॉवर्ड ब्रदर्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे टैन की पूरी तरह से सनक जाती है, तो वो बिना रहम के इन दोनों को मार देता है। मगर टैन को इस बात का एहसास नहीं था कि जिस आदमी को उसने बैंक में मारा था वो एक गैंग का मेंबर था, जिसके साथ ही हॉवर्ड ब्रदर्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, तो अब इन भाइयों की अच्छे से फटी पड़ी है, मगर फिर भी वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी समय टोनी भी इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि क्रॉस फायर में उसे एक गोली लग चुकी थी, तो वो अपने भाई पर भड़कने लगता है कि हम लोग कोई किलर्स नहीं है, जो जरा सी बात पर लोगों की जान लेने लगे, मगर इस बात पर टैन ध्यान नहीं देता। वहीं रेंजर्स को भी चोरी की न्यूज मिल चुकी थी कि पोस्ट टाउन की मिडलैंड ब्रांच में रॉबरी हुई है, साथ ही सस्पेक्ट को लोकल गैंग चेस कर रहे हैं, तो ये लोग भी हॉवर्ड ब्रदर्स के पीछे चले जाते हैं। वहीं हॉवर्ड ब्रदर्स के पीछे गैंग पड़ा हुआ था, जिससे टैन की सनक जाती है, तो वह कार से बाहर निकलकर गैंग पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिससे गैंग डरकर वापस भाग जाता है। तो ये लोग भाई प्लान के हिसाब से टाउन के बाहर चले जाते हैं, मगर जब ये लोग कार को चेंज करने वाले थे, तब टैन टोबी के साथ आने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि इस बार वो लोग बुरे फंस चुके, तो वो पीछे रुककर पुलिस और गैंग का ध्यान भटकाना चाहता है, ताकि टोबी को भागने का मौका मिल जाए,
जिस बात का टोबी को भी एहसास हो चुका है, तो वो सेंटी होने लगता है। मगर टैन के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो दूसरे रास्ते निकल जाता है और टैन बिल्कुल सही था, क्योंकि टोबी के जाते ही पुलिस टैन को चेस करने लगती है, जिस वजह से टोबी बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। तो टैन इन पुलिस वालों को पहाड़ी के चक्कर लगवाने लगता है, साथ ही वो एक पुलिस कार को उड़ाने में भी कामयाब हो जाता है, जिसमें दो पुलिस वाले मारे जाते हैं। जल्द ही रेंजर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो टैन को हंट करने की प्लानिंग करने लगते हैं। मगर अब तक टैन राइफल लेके रेडी हो चुका था, जो पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली एल्बर्टो को भी लग जाती है, जिससे वो ऑन द स्पॉट वहीं मारा जाता है। तो ये देखकर मार्कस बहुत ज्यादा दुखी है, जो टैन को जान से मारने का डिसाइड कर लेता है। वहीं टोबी एक चेक पॉइंट तक पहुंच चुका था, जहां वो पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है, तो वो लोग टोबी को चेक पॉइंट पार करने देते हैं। वहीं टैन ने पुलिस वालों को बिजी कर रखा था, मगर उसे इस बात की खबर नहीं थी कि मार्कस उसे हंट करने के लिए दूसरी पहाड़ी पर आ चुका है, जो मौका मिलते ही टैन को चांद से मार देता है, जिससे एल्बर्टो का भी बदला पूरा हो जाता है। वहीं टोबी एक कसीनो तक पहुंच चुका था, जो सारे लूट का पैसा चेंज करवा लेता है, पर तभी उसे न्यूज मिल जाती है कि उसके भाई को पुलिस ने मार दिया है। तो ये जानकर टोबी काफी ज्यादा दुखी है, जो फिर सारा पैसा लेकर मिडलैंड बैंक पहुंच जाता है, जहां वो टाइम रहते अपना डेब्ट रिपे कर देता है। मगर बैंक का मैनेजर काफी ज्यादा चालू था, जो बात बनाकर टाइम को खींचने लगता है। तो ये देखकर टोबी को भी समझ आ जाता है कि मैनेजर कैसे भी करके टाइम वेस्ट करना चाहता है, ताकि सभी फॉर्मेलिटी पूरी होने से पहले मॉर्टगेज का टाइम निकल जाए और हॉवर्ड ब्रदर्स की सारी जमीन बैंक को मिल जाए। तो टोबी इंसिस्ट करने लगता है कि सारी फॉर्मेलिटीज मेरे सामने होनी चाहिए। तो मजबूरी में मैनेजर उसकी बात मान जाता है। जल्द ही सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, यानी कि टोबी अपनी जमीन का रियल ओनर बन चुका है। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब मार्कस रिटायर हो चुका था, जो कुछ सोच कर टैन हॉवर्ड की फाइल चेक करने लगता है। तो उसे पता चल जाता है कि टैन ने कुछ साल पहले अपने फादर को निपटा दिया था, जिस वजह से उसे 10 साल की जेल हुई थी, यानी कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। मगर इस सब में टोनी का कोई भी जिक्र नहीं था, क्योंकि उसके नाम पर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही किसी भी आई विटनेस ने टोबी को रॉबरी के दौरान नहीं देखा था, तो पुलिस लीगली टोबी को अरेस्ट नहीं कर सकती, जिस बात पर मार्कस काफी ज्यादा अपसेट है। तो लेडी पुलिस मार्कस से कहती है कि टोबी हॉवर्ड की जमीन पर काफी सारा ऑयल मिला है, जैसे माइन करने के लिए प्राइवेट कंपनीज टोबी को $50,000 मंथली देने वाली हैं। तो ये सोचना भी बिल्कुल बेकार है कि ऐसा आदमी कोई रॉबरी कर सकता है। वैसे भी तुम रिटायर हो चुके हो, तो बेहतर होगा तुम कोई बेवकूफी न करो। मगर मार्कस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, जो सीधा टोबी के रांच चला जाता है, जहां वो टोबी को प्रोवोक करने लगता है कि मैंने ही तुम्हारे भाई की जान ली थी और शायद तुम भी मेरे हाथों मरने वाले हो। मगर टोबी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, तो मार्कस टोबी से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर टोबी उसे क्लियर कर देता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी है, मगर मैं अपने बच्चों को गरीबी में जीने देना नहीं चाहता। तो ये सब जानकर मार्कस को समझ आ जाता है कि टोबी ने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया है। तो वो टोबी से अपनी दुश्मनी को भूल जाता है, क्योंकि वो एक फैमिली को बर्बाद करना नहीं चाहता। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।